अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं कराची के ज़ू के अंदर और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट। यहाँ पे ज़ू के सेट एरिया में डक्स हैं और डक्स काफ़ी सारी हैं और ये डक्स के जो पानी होता है जिस समंदर में ये लोग रहती हैं, जो ये वो साइड से बना हुआ है और सामने वाले साइड पे जो है शिपिंग हो रही है, यानी कि यहाँ का टिकट होता है, यहाँ पे शिप्स चल रही होती हैं जो हमें खुद चलानी होती हैं। वो शिप्स हैं जो हम लोग पाँव से चला रहे होते हैं, ये वाली शिप्स हैं, यहाँ का टिकट होता है। तो ये डक्स और ये सामने वाले एरिया दोनों आमने सामने होते हैं ना एरिए। और ये जो एक्वेरियम है जब फिश होती है, यहाँ पहले इस एक्वेरियम के अंदर पहले फिश होती थी लेकिन अब नहीं होती, अब जो है ना आगे वाला साइड पे होती हैं। ये साइड जो है बर्ड्स का एरिया है, बर्ड्स के एरिया में कोई ख़ास बर्ड्स नहीं है, पहले तो काफ़ी बर्ड्स होते थे लेकिन ये है कि बर्ड्स का एरिया। 14 अगस्त का दिन है तो बहुत ज़्यादा रश भी है। और ये सामने वाला एरिया बच्चों का प्ले एरिया है, यहाँ प्ले एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है बच्चों के लिए। ये लोयन है, वाइट कलर का लोयन, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लोयन है। यहाँ टाइगर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक वाइट लोयन ही मिला है, लेकिन है काफ़ी खूबसूरत ये लोयन। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, टिड्डे निकले हुए हैं, बारिश का मौसम है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है। इसके आगे एक्वेरियम भी है, बहुत अच्छा है। और ये देखें, बच्चों का टिकट 30 का है, बड़ों का 50 का है। बहुत मज़ा करा हम लोगों ने, इंजॉय करा। और गार्डन तो बहुत अच्छा था कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन जो है एनिमल्स और बर्ड्स बहुत कम है, लेकिन ग्रीनरी के हिसाब से बहुत अच्छा था गार्डन में, बहुत इंजॉय करा। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा, अब हम चलते हैं। अल्लाह।